हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और बेहतरीन होंगे। दोस्तों, यह वीडियो आप लोग के कमेंट पे आ रही है, मैं इसे लाना नहीं चाहता था क्योंकि इस पे वीडियो मेरा पिछले साल का ऑलरेडी पड़ा है। फिर भी चलिए, आज आप लोग को अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि जो DV होने वाला है, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, यानी आपके जो कागज़ों के यहाँ पर चेक इन किए जाते हैं पेपर की सही है या गलत है, क्योंकि बहुत लोग जो होते हैं फॉर्म अप्लाई करते समय अपना परसेंटेज बढ़ा के डाल देते हैं तो बहुत लोग रिजेक्ट होते हैं। अब रिजेक्शन का इसमें दोस्तों बहुत बहुत कारण होता है, सब मैं इसमें बात करने वाला हूँ कैसे आप लोग रिजेक्ट होते हैं, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से बात किया है, मैंने देखा भी है। तो आप लोग बस वीडियो में बने रहे, आप लोग को एक अच्छी जानकारी मिलेगी और आप एक अच्छा यहाँ पर नॉलेज लेने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं कि आज का जो वीडियो होने वाला है, बस थोड़ा सा वेट करिए क्योंकि मैं आपको बस सुनने वाला हूँ, आपको स्क्रीन पर दिखेगा और सुनने को मिलेगा, बाकी आप स्किप करेंगे तो बस थोड़ा सा 2-3 मिनट आप ध्यान से सुन लीजिए। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपका जो लगने वाला है वह हाई स्कूल का मार्कशीट, यानी जो 10th क्लास का मार्कशीट है, यहाँ पे आपका एक ओरिजिनल रहेगा और इसके 2 जेरॉक्स लगने वाले हैं, यानी कि टोटल आपको 3 लेके जाना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर हम लोग बात करते हैं, वह होता है आधार कार्ड। दोस्तों, आधार कार्ड सबसे ज़रूरी है, यह एक ओरिजिनल होगा। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड ले लीजिए, पैन कार्ड नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप पासपोर्ट, पासपोर्ट नहीं है तो आप क्या करिए कि अपने घर का जो बोलते हैं राशन कार्ड होता है वह भी चलता है, यानी कि यहाँ पर 4 कंडीशन अप्लाई होते हैं, इनमें से कोई भी है तो आपका चलेगा। एक ओरिजिनल होगा और यहाँ पर आपके 2 जेरॉक्स लगने वाले हैं, यानी 2 जेरॉक्स लगने वाले हैं। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे नंबर पे, कास्ट सर्टिफिकेट। दोस्तों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पे कास्ट सर्टिफिकेट होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग होते हैं कि किसी अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अप्लाई कर देते हैं किसी और कैटेगरी में, वो लोग जानते नहीं हैं, सिलेक्शन हो जाता है, बाद में DV में रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो अपना याद रखिए कि जो कास्ट सर्टिफिकेट हो, ज़्यादा पुराना भी ना हो, मैक्सिमम यहाँ पे दोस्तों बात की जाए, जो कास्ट सर्टिफिकेट हो वो ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 4-5 साल, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पुराना है तो आप बनवा सकते हैं, तो 1-2 दिन के अंदर बन जाता है, किसी साइबर कैफे में आप कॉन्टैक्ट करके बनवा सकते हैं। तो याद रखिए, ज़्यादा पुराना ना हो, नहीं तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगले नंबर पर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर डोमिनल सर्टिफिकेट के बारे में। दोस्तों, जो डोमिनल सर्टिफिकेट की बात की जाए, यानी कि जो निवास होता है उसकी बात करते हैं यहाँ पे, तो यह दोस्तों मैक्सिमम 3 साल पुराना होना चाहिए। 3 साल से ज़्यादा पुराना है तो आपको प्रॉब्लम होगी, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, तो आप इतना याद रखिए। अगले नंबर पे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे फ़ोटो, कितने फ़ोटो लगने वाले हैं। तो फ़ोटो की बात की जाए तो अपना याद रखिए कि जो फ़ोटो यहाँ पे लगते हैं वो टोटल यहाँ पे 10 फ़ोटो मांगा जाता है। आपके पास जो DV के लिए लेटर आएगा उस पर दिया होगा कि यहाँ पे 10 फ़ोटो लगते हैं, तो आप टेंशन ना लीजिए, 10 फ़ोटो आपको रेडी करके रखना है। वो अभी दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि जो फॉर्म अप्लाई करते समय वही था, नहीं, वह ज़रूरी नहीं होता है, बस आपका कलरफुल फ़ोटो होना चाहिए और अच्छा फ़ोटो होना चाहिए, बस इससे मतलब होता है। अगले नंबर पे हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे दोस्तों कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र की बात की जाए, तो यह कब का होना चाहिए और कौन सा लगता है। दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बस कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिखा होता है, अब आप कोई भी ले सकते हैं, अगर आप चाहे तो कॉलेज से बनवा सकते हैं, चाहे तो पुलिस वेरिफिकेशन के द्वारा बनवा सकते हैं, दोनों यहाँ पे वैल्यू है। दोस्तों, दोनों बनवा लेंगे तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि कहीं कहीं कुछ भी रीज़न दे के निकाल दिया जाता है। तो मैं आपको बता दूँ कि दोनों कॉलेज से तो आप आराम से बनवा सकते हैं और जाके पुलिस से भी बनवा सकते हैं, यानी कि दोनों आप यहां पे बनवा लेंगे तो काफी अच्छी बात होने वाली है। चलिए अगले नंबर पर बात करते हैं हम लोग कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट कौन सा लगने वाला है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा रिजेक्ट बच्चे इसी में होते हैं, कंप्यूटर सर्टिफिकेट में। तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट की जो मांग होती है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कई कंप्यूटर सर्टिफिकेट होते हैं, बहुत सारे कोर्स होते हैं, तो यहाँ पर सबसे अधिक जो वैल्यू होती है वो DCA की होती है, यानी कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। बात की जाए DCA की, सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है, उसके बाद यहाँ पर CCC या आप कोई और कोर्स किए हैं, ADCA या मतलब बहुत सारे कोर्स होते हैं,
तो उनमें से अगर कोई किए हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कभी कभी किसी एक की वैल्यू नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कि ट्रिपल सी कहीं कहीं मांगा जाता है और कहीं कहीं उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास दो कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो काफ़ी अच्छी बात है, आप उसे दोनों को रख लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर रिजेक्ट नहीं होना है, क्योंकि सिलेक्शन बहुत मुश्किल से मिलता है। आप चाहें तो किसी साइबर कैफे से कॉन्टेक्ट करके बनवा लीजिए, बट बनवा लेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। दो रखे रहे, दो सर्टिफिकेट होगा तो काफी अच्छी बात है, इसके दो जोरक्स लगने वाले हैं। अगले नंबर पे हम लोग बात करते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट की। दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट PWD कैटेगरी वालों के लिए होता है। अगर आप PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं PWD कैटेगरी में अप्लाई कर देते हैं, उनका कम परसेंटेज होता है, बट बाद में वो रिजेक्ट होते हैं, तब पता चलता है कि या PWD कैटेगरी से बिलोंग नहीं थे। तो आप PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, मेडिकल प्रमाण पत्र होना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। दोस्तों बस इतना ही डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, आप इतना इकट्ठा कर लीजिए, सबके दो दो जोरोक्स ले लीजिए और ओरिजिनल रखिए, और फोटो यहाँ पे 10 लगने वाले हैं। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और दोस्तों ज़्यादा पुराना मत रखिए, मैक्सिमम 3 साल से ज़्यादा पुराना रहेगा तो प्रॉब्लम होती है, रिजेक्ट की बात नहीं दोस्तों, प्रॉब्लम होती है, कुछ ना कुछ वो लोग बहाना बना देते हैं, क्योंकि मैं सब देख चुका हूं। तो आप लोग क्या करें कि 3 साल से ज्यादा पुराना मत रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जाते जरूर लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।